बहू बनी दरोगा। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर ना 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 ना, कोई गाना सुनाने का नहीं, बल्कि कहानी ही सुनाने की शुरुआत है ये। तू रात में जाती कहाँ है ये पुलिस की ड्रेस पहनकर? रामलीला में काम मिला है क्या? देखिए माँ जी, आपको पता है बचपन से मुझे पुलिस में जाने का मन था, पिताजी ने तो जाने नहीं दिया और जबरदस्ती शादी कर दी, लेकिन अपने सपनों को मरने नहीं दूंगी मैं। ये सही है, बाप ने पुलिस में जाने नहीं दिया और बेटी घूम घूम कर फर्जी पुलिस वाली बनकर घूमती रहती है। अरे किसी दिन किसी ने पकड़ लिया ना, तब पता चलेगा। आज तक वो सिस्टम नहीं बना सासुमा जो मीना को पकड़ ले। कानून के हाथ। अरे बस 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 बस, हाथ धोकर जाकर जरा चाय तो बना कर ला। मीना चाहती थी कि वो पुलिस वाली बने, लेकिन जब बन नहीं पाई तो रोज घर का सारा कामकाज पूरा कर पुलिस के कपड़े पहनकर यूं ही मार्केट में घूम आती। कभी कोई पहचान नहीं पाता तो सलाम ठोक देता। एक दिन एक पान वाला कहता है, अरे पुलिस वाली मैडम, जरा सुनिए तो, एक तो सूचना देनी है। सूचना? अरे मैडम, ऐसा रिएक्शन दे रही हो जैसे मैं कोई दाऊद का पुता बता रहा हूँ। अरे मैडम, एक छोटी सी सूचना है, लेकिन आपको तरक्की जरूर मिल जाएगी। फिर जो ये आप पैदल फिरती हो ना, दरोगा की तरह चार चक्का गाड़ी मिलेगी, वो भी सरकारी पेट्रोल के साथ। बहू पान वाले को जोर की चपत लगाती है। अब तो पुलिस वालों को बताएगा कि प्रमोशन कैसे लेना है, हैं? पान वाला है पान वाले जैसी बात क्या कर, मंत्री ना बन समझा। पान वाला डर जाता है। जी, अब वो जाने ही लगता है कि मीना पीछे से उसका कॉलर पकड़कर रोक लेती है। ओए ससुर के नाती, अब सूचना क्या सूचना विभाग देगा, बोल क्या बता रहा था। अब वो मैडम, पता है ना रात का लॉकडाउन है, लेकिन वो राशन वाला है ना, वो दुकान खोल कर रखता है और वो क्या ना, वो रिश्वत देता है। अब मैडम आप ही बताइए, दो पैसे की रिश्वत के लिए लोगों की जान का खतरा तो नहीं मोल लेना चाहिए ना। ये बात है। हाँ मैडम, आया था पहलवान मेरे पास भी, बोल रहा था पैसे दे दे दुकान खोल। अब आप ही बताओ मैडम, चुन्ना कत्था बेच कर कितनी कमाई हो जाती है जो इन लोगों को भी दे दो। आप ना थोड़ी रॉब वाली लगी तो सोचा सही सही बता दूं आपको। देखती हूँ आज, अब या तो सारी दुकानें खुलेंगी या तो एक भी नहीं। रात को बहू पहलवान का वीडियो बना लेती है और धीरे से उसे सोशल साइट पर डाल देती है। वीडियो वायरल हो जाता है और कल्लू पहलवान को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। अगले दिन पान वाला कहता है, अरे मैडम जी आप पान खाओ, और आज से हमरे दुकान में आपके लिए पान बिल्कुल मुफ्त। पुलिस वाला हो तो आपके जैसा, लेकिन मैडम जी आप कहीं दिखे नहीं धरपकड़ टीम में, वो का है? अरे हम सीनियर लोग हैं, सामने नहीं आते, ये तो दरोगा लेवल का काम है। और सुनाओ, और कोई सूचना हो तो बता देना, ठीक है? रॉब से बहू घर आती है और सास को सारी बात बता देती है। अरे बाबा बहू, ये तूने अच्छा किया, कम से कम उस कल्लू पहलवान को उसके किए की सजा तो मिलेगी। अरे बहुत कहर मचा रखा था, लोगों का तो डर के मारे घर से निकलना बंद हो गया था। कोई पुलिस के पास जाता तो कोई कहता सबूत लाओ, अब कौन सामने से कल्लू पहलवान से पंगा लेता है। लेकिन तूने तो वो कर दिया जिससे सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब क्या, बहू फर्जी पुलिस वाली बनकर निकलती और अपने तरीके से लोगों की समस्या का समाधान करती। एक दिन बहू पुलिस बनकर घूम रही थी कि एक चोर उसके पास आता है। क्या हाल है मैडम, नई तैनाती हुई है क्या? देखा नहीं है एरिया में पहले कभी, ना कभी थाने में दिखती हो, फील्ड जॉब है क्या? बहू फिर लगाकर एक जोर का चप्पल चोर के कान पर मारती है। अय्या जी मैडम, मारो क्यों, मुझसे भी तो बात कर लो, या हाथी चलाती हो। पुलिस वाले से किस भाषा में बात करते हैं ये सीखा नहीं ना तुमने? करते क्या हो और कौन हो जो मेरा बायोडेटा मांग रहे हो? चोर जेब से 2000 का नोट निकाल कर बहू को देता है
मैडम ये शगुन पकड़ लो, बस ध्यान रखना हम लोगों का, छोटे मोटे खिलाड़ी है मैडम। चलिए काम का वक्त हो रहा है, फिर मिलता हूँ। बहू को समझ में नहीं आता कि पुलिस वाले के हाथ में पैसे देकर कोई क्यों जा रहा है। वो उसका पीछा करती है और एक घर के बाहर पहुँचती है जहाँ से डब्बे एक गाड़ी में भरे जा रहे होते हैं। ओहो, तो मामला काला बाजारे का है, वाह। फिर बहू हाथ में पकड़ा 2000 का नोट देखती है और कहती है, खुद लाखों का खेल खेल रहा है, हमें 500 पकड़ा रहा है, लेकिन इस डब्बे में है क्या? तभी उसे पास की झोपड़ी से जोर जोर से रोने की आवाज आती है। बहू कैमरा निकाल कर उस झोपड़ी के अंदर जाती है। अरे क्या बात हो गई, क्यों गला फाड़ रही हो? पुलिस वाली मैडम, ये सामने वाले घर में नकली शराब बनती है, कल मेरे पति ने पी ली, आज बिस्तर से उठ ही नहीं रहा, मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाऊं। ये लो 2000 रुपये, ले जाओ इसको डॉक्टर के पास, और हाँ कल मैं फिर आऊंगी और बताऊंगी कि क्या करना है। बहू घर आ जाती है लेकिन सोच पे पड़ जाती है कि वो क्या करे, क्योंकि इस बार मामला बड़ा था। अरे क्या बात है मेरी फर्जी शेरनी, क्यों परेशान सी दिख रही हो? क्या कहूँ माँ, सच में आज आपका ये फर्जी बोलना बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। हाँ मैं फर्जी ही तो हूँ, तभी तो कुछ कर नहीं पा रही हूँ। सास को बहू सारी बात बताती है। हाँ तो तुम कुछ करना चाहती हो लेकिन कर नहीं पा रही हो, कि कहीं तुम्हारी हकीकत सामने ना जाए, क्यों? कहानी का सारांश तो सही पकड़ा है आपने सासू माँ, अब आगे क्या करना है ये भी समझा दो। देख तू उस औरत के पास जा और उसे पुलिस वालों से सारी बात बताने को बोल, बाकी जो वीडियो तूने बनाया है उसे उसी साइट में डाल दे जहाँ से तूने कल्लू पहलवान को पकड़वाया था। सबूत के साथ गवाह दोनों पुलिस के पास होंगे तो कार्यवाही ही तो होकर रहेगी। बहू सास की बात से खुश हो जाती है और अगले दिन वैसा ही करती है। पुलिस स्टेशन के बाहर वो औरत कहती है, और पुलिस वाली मैडम आप भी तो चलो ना अंदर। हाँ? नहीं नहीं मैं यहीं ठीक हूँ, मेरी ड्यूटी का वक्त है ना, ऑफिस में नहीं जा सकती मैं। अरे पहली बार किसी पुलिस वाले को पुलिस की वर्दी में पुलिस स्टेशन के अंदर जाने से डरता देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बच्चा क्लास में जाने से डर रहा हो। ए, ज्यादा ज्ञान वर्धक बातें ना कर, सीधा अंदर जाओ रिपोर्ट दर्ज कर। बस फिर क्या था, महिला सारी बात पुलिस को बताती है और ये भी बताती है कि कैसे एक पुलिस वाले ने उसकी मदद की उसके पति के इलाज के लिए पैसे देकर। पुलिस वाला वीडियो भी देख लेता है। अरे ये कौन पुलिस वाली है, जो हम लोगों को तो नहीं दिखती लेकिन काम हमारे लिए ही कर रही है। पुलिस छापा मार कर गुनहगारों को गिरफ्तार करती है, महिला को इंसाफ मिलता है और हमारी फर्जी दरोगा वो तो निकल जाती है अगले केस के लिए। अंधेरी रातों में सुनसान राह पर। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।